हमारे चर्चा का विषय है वेकेशन। वेकेशन का नाम सुनते ही किसका मन खुश नहीं हो जाता? मन जो है स्वतंत्र भी हो जाता है, तनाव मुक्त भी होता है और ऐसा लगता है अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तो बच्चे क्या बड़े सभी वेकेशन के नाम पर आनंदित हो जाते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि बच्चों का जो वेकेशन बिताने का तरीका है वो हमारे समय से काफ़ी अलग है। हम देखते हैं कि हमारा वेकेशन शुरू नहीं होता था कि हमारी माँ पहले से ही प्लान करने लगती थी। यद्यपि वे पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी होती थी कि जिसमें घर के काम से भी हमें जोड़ा जाता था, एक्टिविटी भी रहती थी, साथ ही साथ हमारे घर के जो सदस्य थे, दादा दादी थे, उनके प्रति भी जवाबदारी सौंपी जाती थी और साथ ही साथ हमें अपने लिए भी समय दिया जाता था। तो हम वेकेशन के बाद पूरी तरह से संतुष्ट रहते थे और उत्साही रहते थे। लेकिन आज ऐसा देखने को मिलता है कि वेकेशन शुरू हुआ नहीं कि बच्चे को व्यस्त रखने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे से तीसरे क्लास में उसी अंधाधौड़ में भागते चले जाते हैं और वास्तव में देखा जाए तो वे कुछ ग्रहण भी नहीं कर पाते, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के वेकेशन में इस तरह से नियोजित किया जाए जिसमें कि वे माता पिता का भी हाथ बटाएं, दादा दादी के साथ भी रहें जिससे कि उनके प्रति भी अपनी जवाबदारी को समझें और कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी सीखें जिससे कि उनका दूसरी तरह से भी विकास हो। किताबी ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है वह हमें किताब से नहीं बल्कि अनुभव से, साथ में रहने से मिलता है। तो हमारे विचार से कुछ वेकेशन का प्लान इस तरह से होना चाहिए जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और जीवन में जब आगे आए तो एक अपनी उत्तरदायित्व को, अपनी जवाबदारी को बखूबी निभा सके। आपका क्या विचार है? आई डेफिनेटली अग्री टू व्हाट यू से मंजू मैम। द लिटिल वंस आर द वंस जो सबसे ज़्यादा वेट करते हैं वेकेशन का। एंड वेकेशन एक एवी एवं टाइम हो जयरे अपने छोकराओं माटे वेकेशन फ्रॉम स्टडीज़ राखव जोइए, नॉट फ्रॉम वेकेशन फ्रॉम एक्टिविटीज़। वेकेशन फ्रॉम एक्टिविटीज़ डजंट मीन के एक्टिविटी कराना है, पर ऐसा कि बच्चे को एक्टिव रखना है हमें। इसलिए इट इज़ द मेन रीज़न दैट पेरेंट्स शुड मेक अ प्रॉपर काइंड ऑफ अ टाइम टेबल विच द चाइल्ड हैज़ टू प्रिपेयर। लेट द चाइल्ड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग कि आज मैं 10 बजे उठूंगा, आज मैं 9 बजे उठूंगा। लेट द चाइल्ड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड द डे। सो दैट इज वॉट विल मेक हिम मोर रिस्पॉन्सिबल। टेक हिम टू वेजिटेबल शॉप, टेक हिम टू बाय द वेजिटेबल्स। उसको कैलकुलेशन करने दो, 250 किसे बोलते हैं, 500 किसे बोलते हो, किलो कितना होता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे जब सीखेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज से ही वो लोग ज़्यादा सीखने वाले हैं, राधर देन कि बुकिश जो है अब ये तो करने ही वाले, स्कूल करने ही वाला है। सो लेट द पेरेंट्स टेक अ डिसीजन अबाउट हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल नॉलेज, हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू गेन। व्हाट डू यू से? सजेस्ट टू अग्री विद व्हाटएवर मंजू मैम एंड आरती हैज सेड। यू नो वेकेशन, यू नो द टर्म इटसेल्फ मींस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द रूटीन। सो दिस इज द टाइम वेयर द चाइल्ड कैन बी वन ऑन इट्स ओन, यू नो, and parents can read stories to them, they can spend more time with their child, they can meet their grandparents, they can research about their family history. Yes. From where do they come, you know, what were their grandparents, what did they do. Now they can do all these things. They can also be indulged in little activities at home, you know, like rearranging the room, redecorating their own room. Right. Building a bookshelf, you know, for, yes, their room. And if you are on a vacation, if you have gone somewhere out, you know, let the child write a diary entry for that. Let the child write a postcard to the relatives, you know, from there. So that will inculcate the power of observation. Let the child observe things and make this as a, you know, learning experience rather than only a pleasure trip. They should be away from the gadgets during this time. That is the most important thing. And they should observe. That is the most important quality which can be developed during this time. Isn't that, Vijaya Miss, what do you think? You are absolutely right. In fact, as I was interacting with a few students the other day, I discovered that many of them spend their vacation time quite wisely. Like one of them told me that she is managing a book stall at a book fair this whole week during vacation. Another revealed that she regularly goes to this particular social service organization where she translates Gujarati reports into English. Then a third one said that she is going door to door in a locality with her friends
And then she's trying to spread the word about segregating dry waste from wet waste and recycling. One mother informed that her daughter renders active free service at student canteens. So apparently, you know, for these children, vacation is beyond malls, multiplexes, movies, video games, and extravagant spending. One thing I guess we should all remember is, for many children, vacation time is also hopping in and out from tuitions. So parents need to remember that these children have to spend quality time at home. Parents and children alike must keep away from gadgets, Facebook, WhatsApp, and other social networking sites, and maybe bond face to face with their children, have a lot of discussions. And children must be told to play in the evenings irrespective of their ages. Yes, Ahmedabad, the heat is increasing day by day. So maybe the peak hours of the day are best spent indoors. Children, as you said, they can indulge in a number of activities like helping mom in the kitchen, spending time in board games, or listening to music, or simply relaxing, reading books, writing diaries. Mornings and evenings, cycling and games. Children should relax. Children should be happy during vacation. What do you say, ma'am? हम भी आपकी बातों से पूरी तरह से सभी के जो विचार हैं हमें ऐसा लगता है कि अगर माता पिता थोड़ा थोड़ा भी इन सब बातों पर ध्यान दें तो अवश्य ही बच्चे के लिए भी उपयोगी होगा और साथ ही साथ बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे और हमारे कैसे माता पिता को जो चाहिए वो भी उन्हें बच्चों से मिल सकेगा है ना. तो आप सभी के विचारों को से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो हमारे विचार हैं और माता पिता भी हमारे ख्याल से उस विचार से पूरी तरह से सहमत होंगे.